हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया शाम के नाश्ता बनाने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सोचने पे मजबूर होते हैं ना कि शाम को मैं क्या बनाऊँ। इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये नाश्ता है। तो ये देखिए, हमने कई तरह के सब्जियाँ ठंडी के मौसम में मिल रहा है, सब हम काट लें। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज, जितना भी सब्जियाँ होता है, और देखिए सारे चीज़ काट लिए हैं। दो आलू को कद्दूकस कर लिए हैं और एक चम्मच फ्राई पैन में तेल डाल दिए हैं, गरम हो गया। अदरक लहसुन और हरी मिर्च काट के बारीक भून लिए हैं। उसे भूनकर ही हम आलू का जो कद्दूकस कर के रखे हैं उसे डाल देंगे पहले, और हम इसमें मटर डाल देंगे। मटर और आलू को सबसे पहले डालेंगे हरी मिर्च के बाद, और इसे भुनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि आलू थोड़ा सा कच्चा नहीं अच्छा लगता है ना। और इसमें हम नमक डाल देंगे और हल्दी पाउडर और काली मिर्च, और कुछ मसाला हम नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ इतना ही मसाला। और 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसे थोड़े देर के लिए पका लेंगे। और देखिए बहुत बढ़िया सॉफ्ट हो गया था। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर आलू मटर को ढक्कन लगाकर सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये पत्ता गोभी, जितना भी सब्जियां काटे हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, गाजर, ये सारे सब्जियां को हम डाल देंगे, और धनिया पत्ता भर भर के डालेंगे इसमें। धनिया पत्ता का जो मोटा डंठल है ना, उसे पहले हम डाल देंगे इसमें, और ये सारी चीज़ डालकर अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम गलाना नहीं है, थोड़ा क्रंचीपन रहना चाहिए इसमें। और हाँ, इसमें देखिए हम पनीर डालेंगे। ये पनीर है मेरा, ये मलाई से घी निकलता है, उसका हम पनीर बनाएं। इसका तो काफ़ी टेस्टी ये नाश्ता होता है, अगर हो आपके पास तो यूज कर सकते हैं इस नाश्ते के लिए। और एकदम बारीक काट देंगे, इसको मैश नहीं करेंगे, एकदम बारीक काटेंगे पनीर को, और फिर पनीर को इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। और बाकी सब्जियाँ सिर्फ गलाना तो है नहीं, थोड़ा सा क्रंचीपन होना चाहिए। और ये ओरिगानो डाल देंगे, ये पिज्जा सीजलिंग है, इसे अगर आपके पास हो तो डालें, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें 1 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, सिर्फ थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, हल्का सा बाइंडिंग होना चाहिए इसमें, नहीं तो बिखरने लगता है। और ये सारे चीज़ डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। बस गलाना तो है नहीं, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इसे, कच्चापन दूर करना है। और ये मेरा स्टफिंग एकदम बेहतरीन रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये, और बहुत ही हेल्दी भी है। और गेहूं के आटे से, खास बात यह है ना कि इस नाश्ते को हम गेहूं के आटा से बनाएंगे, क्योंकि इसमें मैदा का यूज नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ का यूज नहीं करेंगे। इसमें हम आटा ले लिए गेहूं का, और उसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल देंगे क्रश करके हाथों से, और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे कि थोड़ा सा इसमें खस्तापन आ जाए। खस्ता रहता है ना तो ये नाश्ता कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी सभी का टेस्ट देगा। बहुत मतलब शाम का नाश्ता एकदम आपके लिए बहुत ही परफेक्ट ये रेडी होगा। थोड़ा थोड़ा बाइंडिंग आ जाए आटा में भी। और हम इसमें धनिया पत्ता जो हो गए ना, डंठल को निकाल लिए हैं, धनिया पत्ता को पूरा भर भर के डालेंगे इसमें, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट देता है धनिया पत्ता से आटा में। और पानी हम गुनगुना कर लेंगे, गुनगुना पानी से इस आटा को लगाएंगे, और सख्त लगाएंगे, गीला नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये नाश्ता खस्तापन नहीं बनेगा। ये देखिए आटा हमने लगा लिए हैं, अब हम नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। छोटा छोटा लोई लेंगे और 1 पूड़ी के बराबर बेलेंगे, पूड़ी से थोड़ा सा बड़ा साइज लेंगे, ताकि इसे हमको इसमें स्टफिंग भरने में आराम रहे, आसानी से भर जाए। और मेरा जो स्टफिंग है ना, बहुत ही बढ़िया रेडी हुआ है। अब हम 1-1 पूड़ी बेलेंगे, और इसमें आप चाहें तो इसे पराठा के साइज में भी बना सकते हैं, समोसा भी बना सकते हैं, पैटीज भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आप इसे बना ले, जैसे आपको आराम लगे बनाने में, उस तरीके से इस नाश्ते को बना सकते हैं। और हम देखिए ये जैसे गुजिया बनता है ना, उस साइज के हम बना रहे हैं, और थोड़ा सा बड़ा साइज है, और इसे कांटा वाला चम्मच फॉग होता है, उससे हम थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, ताकि इसका मुंह है जो फैले नहीं, कि हम इसे तलेंगे तो निकले नहीं इसमें से। और हाँ देखिए, इस तरीके से हम सारा स्टफिंग और बना लेंगे, इसे पूरा रेडी कर लेंगे नाश्ते को। बहुत ही गजब का ये नाश्ता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस नाश्ते को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता था। और हम इस नाश्ते को डीप फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे
डीप फ्राई भी कर सकते हैं, हम सेलो फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से उलट पुलट करके गोल्डन एकदम होने तक, क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बना था ये, और यकीन मानिए दोस्तों गजब का ये टेस्ट नाश्ते में है। आप एक बार यूज कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा इस नाश्ते को खाकर। बहुत टेस्टी था ये नाश्ता। देखिए कितना बढ़िया ये मेरा नाश्ता एकदम रेडी हो चुका है, और बाकी जो बचा है हम पराठा साइज में बना लेंगे, उसे हम रख दिए हैं। और ये नाश्ता मेरा बन करके रेडी हो चुका है, लीजिए खाइए, इंजॉय कीजिए इस नाश्ते को इस ठंडी में। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।